नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस अनोखी हेलीकॉप्टर राइड में, जहां हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की वो जगहें जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी लीजिए बांध और हो जाइए तैयार। हम आपको ले जा रहे हैं धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों और निशानियों की नगरी प्रयागराज की सैर पर। अब हम आपको दर्शन कराएंगे हिंदू धार्मिक आस्था के सबसे बड़े संगम त्रिवेणी संगम की। ये संगम भारत की तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की मिलन स्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम में डुबकी लगाने से सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में यहाँ माघ मेला लगता है। मान्यता है कि माघ मेले के 45 दिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के कुल वर्षों की संख्या के बराबर होते हैं। यही वजह है कि इसमें किए गए स्नान दान, तप, जप से चारों युगों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ये अकबर किला है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने इसे 1583 में बनवाया था। 30,000 वर्ग फुट में बना ये किला लगभग 45 सालों में बनकर तैयार हुआ था। किले के अंदर कई धार्मिक अक्षयवट स्थित हैं। इसके साथ 44 देवी देवताओं वाला पातालपुरी मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पारसी भाषा के कई शिलालेख, अशोक स्तंभ आदि मौजूद हैं। हम बढ़ रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ। ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला में मिस्र, इंग्लैंड और भारत वास्तु तत्वों के अंश देखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय का गणित विभाग भारत में शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। हम आपको भगवान शिव की नगरी बनारस की सैर पे ले जा रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की तरफ। ये भारत देश का सबसे प्रचलित विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई, जहां देश विदेश से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। अब हम बढ़ते हैं बनारस के घाटों की तरफ। ये 80 घाट है। 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित इस घाट का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में है। ये है दशाश्वमेध घाट, वाराणसी का सबसे ओजस्वी घाट। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था। ये मणिकर्णिका घाट है। इसे भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। मणिकर्णिका को महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। अब हम बढ़ रहे हैं पवित्र गंगा आरती की तरफ। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में गंगा आरती का अलग ही महत्व है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर माँ गंगा की आरती करते हैं। माँ गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप अलग निहारने पर मजबूर कर देती है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं।
अब हम बढ़ रहे हैं गोरखपुर की तरफ। ये गोरखनाथ मंदिर है। ये भारत के पुराने मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। इस मंदिर का परिसर 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसके भीतर गोरक्षनाथ की संगमरमर की प्रतिमा, चरण पादुका के साथ साथ गणेश मंदिर, माँ काली, काल भैरव और शीतला माता का मंदिर है। ये रामगढ़ ताल है। शहर के अंदर स्थित ये तालाब लगभग 1800 एकड़ में फैला हुआ है। इस ताल का जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक महत्व है। रामगढ़ ताल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ये रामभर स्तूप है। इतिहासकारों के अनुसार रामभर स्तूप महात्मा बुद्ध के निर्वाण के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये उसी स्थान पर बना है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्तूप का आधार 48 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इसका ऊपरी भाग एक ड्रम के आकार का है। अब हम बढ़ रहे हैं भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या की तरफ। ये है पवित्र सरयू नदी, जो प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर वनवास काल और उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। सरयू नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि ये मानव जाति की अशुद्धियों को धो देती है। ये नया घाट है। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। सूर्यास्त के समय नाव की सवारी का आनंद लेकर यात्रियों को अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। ये हनुमानगढ़ ही है। इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब से हनुमान जी यहीं रहने लगे। यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। जल्द ही आप अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। ये कनक भवन है। इसका निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने दशरथ जी के आग्रह पर किया था। माता कैकेयी ने कनक भवन अपनी बहू माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार के रूप में दिया था। भवन के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान है। अब हम बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। ये क्लॉक टावर है। 221 फीट ऊंचे इस टावर को भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर का दर्जा प्राप्त है। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में माना जाता है। इसका निर्माण अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर करवाया था। ये रूमी दरवाजा है। इसका निर्माण सन 1783 ईस्वी में अवध के 4थे नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। इसकी कुल ऊंचाई 62 फीट की है। इस विशाल दरवाजे को बनाने में लगभग 3 साल का समय और 10 लाख की लागत आई थी। ये है इमामबाड़ा। इसे भूल भुलैया और आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में किया गया था। इस इमारत में बड़े बड़े झरोखे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इन्हें ऐसा बनाया गया है कि मुख्य द्वार से अंदर जाने वाले व्यक्ति को तो देखा जा सकता है लेकिन झरोखे में बैठे व्यक्ति को अंदर जाने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क है। ये लगभग 107 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पार्क को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का विधान भवन है। इसका निर्माण तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर द्वारा करवाया गया था। इसकी वास्तुकला इंडो यूरोपियन शैली की है। इसका अधिकांश भीतरी भाग संगमरमर का बनाया गया है।
इमारत के बाहरी भाग के पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह अंकित किया गया है। ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सबसे अत्याधुनिक और आधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी करने वाला भारत का 52वां स्टेडियम है। देवियों और सज्जनों, हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर ले जाने वाली ये अनोखी हेलीकॉप्टर राइड आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।